प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 5 शुरू करते हैं। राजिया रा सोरठा, कवि है कृपाराम खिड़िया। ये राजस्थानी भाषा में सोरठे हैं। 15 सोरठे इस अध्याय में दिए गए हैं। राजिया रा सोरठा, ये कृपाराम खिड़िया की कृति का नाम है और इसमें कुल 140 सोरठे इन्होंने लिखे हैं। सोरठा एक छंद का नाम है। सोरठा एक छंद होता है, यह है मात्रिक छंद है। सोरठा एक मात्रिक छंद होता है। सोरठा में 4 चरण होते हैं, सम और विषम। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, और विषम चरणों के अंत में तुकबंदी भी होती है। अगर हमें ऐसा मिलता है कि 4 चरण हो और विषम चरण, विषम चरण का अर्थ हुआ 1 और 3, 1 फिर ये 2, ये 3 और ये 4, 4 चरण हो गए। तो विषम चरण 1 और 3, इनमें 11-11 मात्राएं हो और सम चरणों में 13-13 मात्राएं हो और विषम चरण के अंत में यानी 1 और 3 के अंत में तुकबंदी भी हो, अंतिम 2 स्वर समान हो, यदि सारी विशेषताएं हमें मिल जाती हैं तो हम पहचान जाते हैं कि वहां पर सोरठा छंद है। सोरठा की पहचान है 4 चरण होंगे, विषम चरण 1-3 में 11-11 मात्राएं होगी और सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होगी और विषम चरण के अंत में तुकबंदी भी होगी। अगर ये विशेषताएं मिलती है तो फिर वह सोरठा छंद है। अ ई उ री, ये 4 स्वर हैं, उनकी एक मात्रा होती है जिन्हें लघु बोला जाता है, और इसके अलावा जो अन्य स्वर बच गए इन 4 के अलावा उनमें मात्राएं होती है 2, इसे हम गुरु बोलते हैं। लिखने का तरीका इस तरह से होता है, ये लघु मात्रा है 1 और ये गुरु है 2, 2 मात्रा होती है। तो अ ई उ री, इसकी एक एक मात्रा होती है और इन 4 के अलावा जो स्वर बच गए उन सब की 2-2 मात्राएं होती है। यहां हम गिन सकते हैं, एक 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 2-1, क्योंकि यहां पर आ है और आ की मात्रा 2 ही होगी। उसके अलावा अ ई उ या री आए हैं, इन सब की एक एक मात्रा होगी। इसके अलावा यहाँ 1-2-1-2-2-2-1-2, ये इनकी मात्राएं हमने लिख दी है। इसमें भी अगर लिखे तो हम 1-1-1-1-2-1-1-2 और 1, ये तीसरे चरण की मात्राएं हो गई। यहाँ 2-2-2-2-2-1-2, ये चौथे चरण की मात्राएं हो गई। अगर हम गिने 1-2-3-4-5-6-7-8 और 2 10 और 1 11, यानी पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। तीसरे चरण में गिने 1-2-3-4-6-7-8-10-11, तो हम जानते हैं 1 और 3 यानी दोनों विषम जो चरण हैं उनमें 11-11 मात्राएं हैं। सम चरणों में भी गिन लेते हैं हम, 1-3-4-6-8-10-11 और 2-13,
इसी प्रकार चौथे चरण में गिने 2, 4, 6, 8, 10, 11 और 2 तीर है। हम देखते हैं कि सम चरण दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं, सम चरणों में 13 मात्राएं हैं और विषम चरणों के अंत में हम देखते हैं एक दिन के अंत में तुकबंदी भी है। तो ये सारी विशेषताएं मिल रही हैं, इसलिए हम पहचान सकते हैं कि यहाँ सोरठा छंद है। तो यहाँ सोरठा छंद है और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। कृपाराम खिड़िया जो कवि हैं, इनके शिष्य का नाम है राजिया। कृपाराम खिड़िया के शिष्य का नाम है राजिया। राजिया बड़ा दुखी था, चिंतित था और उसे चिंतित देख करके और इनके गुरु कृपाराम खिड़िया ने पूछा, भाई आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो राजिया ने बताया कि मेरे कोई भी पुत्र नहीं है, मेरी मृत्यु के बाद मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, मेरे वंश को, मेरे कुटुंब को, मेरे परिवार को आगे बढ़ाने वाला कोई भी मेरा वंशज नहीं है। ऐसा सोचकर मैं दुखी हूँ कि मेरे कुटुंब और वंश को आगे कौन चलाएगा, कैसे बढ़ाएगा, मेरे बाद मेरा वंश लुप्त हो जाएगा। तो इस चिंता को दूर करने के लिए, अपने शिष्य राजिया की चिंता को दूर करने के लिए कृपाराम खिड़िया ने जो भी सोरठे लिखे हैं वो सब राजिया को संबोधित करते हुए लिखे हैं। हर सोरठे में राजिया को संबोधित करके कुछ लिखा, जिससे जब भी ये सोरठे पढ़े जाएं, बोले जाएं, सीखे जाएं, तो राजिया का नाम सदैव आता रहे, चलता रहे। तो इस संसार में राजिया के नाम को हमेशा चलाने के लिए कृपाराम खिड़िया ने राजिया अपने शिष्य को संबोधित करके लिखा है, ताकि उसकी चिंता दूर हो जाए और हमेशा संसार में राजिया का नाम उसकी मृत्यु के बाद भी बोला जाए, सुना जाए, चलता रहे। तो इसीलिए राजिया को संबोधित करके उन्होंने अपने सोरठे लिखे हैं। राजिया कृपाराम खिड़िया के शिष्य का नाम है। देखिए, गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभले, उन नगरी बिच नाव रोही आछी राजिया। हे राजिया, कृपाराम खिड़िया अपने शिष्य राजिया को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे राजिया, गुण अवगुण जिन यानी जिस गांव में गुण और अवगुणों के बारे में सुने यानी कोई सुनता ही नहीं है और सांभले यानी कोई सावधान ही नहीं रहता है, गुण अवगुणों को कोई सुनता नहीं है, कोई सावधान भी नहीं रहता है, अर्थात गुण और अवगुण का कोई भी विचार नहीं करता है, जिस गांव में कोई भी गुण अवगुण को सुनता नहीं है, उनके बारे में सावधान नहीं रहता है, अर्थात गुण अवगुणों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है, उन यानी उस नगरी बिच, बिच यानी में, नाव यानी नहीं, उस नगरी में नहीं रहना चाहिए, उस गांव में नहीं रहना चाहिए और रोही, रोही यानी निर्जन वन और आछी यानी अच्छा। हे राजिया, उस गांव की बजाय निर्जन वन ही अच्छा होता है, भले ही हम निर्जन वन में रह जाए जहां कोई मनुष्य नहीं रहता हो, हम ऐसे जगह जाकर अकेले रह जाए वो अच्छा है, लेकिन जिस गांव में लोग गुण अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, ऐसे नगर में कभी भी नहीं रहना चाहिए, निर्जन वन ही उससे अच्छा होता है। अर्थात हमें गुण अवगुणों पर विचार करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए और जिस गांव में लोग गुण और अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं,
तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे गांव में ऐसे नगर में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। कार्य सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना। बल का अर्थ बली होता है, पराक्रम यानी पराक्रम और हिम्मत, बिना यानी बिना हिम्मत के बिना। बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कार्य यानी कार्य सरे न संभव नहीं है, नहीं कर सकते हैं। कोई यानी कोई, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। हल कार्या, हल कार्या यानी ललकार, की हुए क्या होता है, रंगा यानी रंगा हुआ, श्याला यानी गीदड़ या सियार, हे राजिया किसी सियार को, जो सियार बहुत डरपोक होता है, किसी सियार को हम रंग भी दें और फिर उसे ललकारें तो भी उससे क्या होगा। किसी रंगे हुए सियार को हम ललकारें, उसमें जोश भरें तो भी उससे क्या होता है, क्या होगा। अर्थात सियार तो सियार ही रहेगा, क्योंकि उसमें बल पराक्रम और हिम्मत नहीं होती है। उस सियार को, रंगे हुए सियार को हम कितना ही ललकार दें फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार बल पराक्रम हिम्मत है तो मनुष्य कार्य कर सकता है, और यदि सियार है अर्थात कोई डरपोक व्यक्ति है, कोई निरुत्साहित व्यक्ति है, किसी व्यक्ति में बल पराक्रमी नहीं है, जो कमजोर व्यक्ति है, आप उसे कितना भी ललकार दो, कितना भी उत्साहित कर दो, फिर भी वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। मिले सिंह वनमा, सिंह यानी शेर, सिंह माह यानी मैं, वन में जो शेर मिल जाता है, वन में जो शेर रहता है, किण मिर्गा, किण यानी किस, मिर्गा यानी हरिण, मृगपत यानी मृगपति अर्थात राजा, किया यानी बनाया, जो शेर वन में रहता है किस हरिण ने उसे राजा बनाया है, अर्थात किसी हरिण ने उसको राजा नहीं बनाया है। वन में जो शेर रहता है किस हिरण ने उसे राजा बनाया है, अर्थात किसी भी हिरण ने उसे राजा नहीं बनाया। जोरावर अति, अति यानी बहुत, और जोरावर यानी बल, शक्ति, ताकत, उसमें बहुत बल होता है और उस बल के कारण ही वो राजा बनता है। कोई हरिण उसे राजा नहीं बनाता, केवल अपनी बल ताकत की वजह से वो हरिण की बजाय स्वयं ही अपने बल से राजा बनता है। जोरावर अति जाह, जा यानी जिसमें, जिसमें बहुत बल होता है अर्थात जो ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, रहे उरगगत, उरगगत यानी ऊपर स्थित, हे राजिया जिसमें बहुत बल होता है,
जिसमें बहुत ताकत होती है वह सबके ऊपर स्थित होता है, अर्थात सबसे ऊंचा और बड़ा स्थान उसी को मिलता है जिसमें बहुत ताकत होती है, जिसमें बहुत शक्ति होती है। शेर में भी शक्ति होती है, ताकत होती है, इसीलिए वो मृगपति कहलाता है। किसी मृग ने, किसी हरिण ने उसको राजा नहीं बनाया, अपनी ताकत शक्ति के बल पर ही वो राजा बनता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में भी बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है, वो सबके ऊपर स्थित होता है, सबसे ऊंचा स्थान उसी को मिलता है। आचा युद्ध अणपार, युद्ध यानी युद्ध, आचा यानी अच्छा, अणपार यानी अजय। जो युद्ध में अजय रहता है अच्छा होता है। धार यानी धार, खग यानी तलवार, तलवार या खड़ग। सम्मुख यानी सामने, धसे यानी खड़ा रहता है, संघर्ष करता है। जो तलवार की धार के सामने भी खड़ा रहता है, मुकाबला करता है, संघर्ष करता है, जो युद्ध में अजय रहता है और तलवार की धार के सामने भी, तलवार की तेज धार के सामने भी जो खड़ा रहता है, अर्थात संघर्ष करता रहता है। भोगे हुए भरतार, भरतार यानी स्वामी। रसा यानी धरती पृथ्वी। नर यानी मनुष्य। जिके यानी ऐसे, ऐसे मनुष्य ही धरती के स्वामी भोगे हुए यानी बनते हैं। ऐसे ही मनुष्य इस पृथ्वी के स्वामी बनते हैं, स्वामी होते हैं। कौन? जो युद्ध में अजय रहते हैं, युद्ध में कभी किसी से पराजित नहीं होते, युद्ध में अजय रहते हैं, तलवार की तेज धार के सामने भी संघर्ष करते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। और ऐसे ही मनुष्य धरती के स्वामी होते हैं, धरती पर राजा बनते हैं। इन्हीं सु अवदात, अवदात यानी शुद्ध या उज्ज्वल। कहनी यानी वचन, सोच विचार कर, सोच विचार कर जो वचन बोलते हैं, इन्हीं उससे, उससे उज्ज्वलता आती है, शुद्धता आती है। जो सोच विचार करके फिर वचन बोलते हैं तो उससे उज्ज्वलता आती है, शुद्धता आती है। बेमौसर की बात, बेमौसर बिना अवसर, बिना अवसर, बिना अवसर पर जो बात कही जाती है, रूढ़ी अच्छी न लगे, नहीं लगती है। हे राजिया, बिना अवसर की बात कभी भी अच्छी नहीं लगती है। बात अच्छी वही होती है, उज्ज्वल वही होती है, शुद्ध वही होती है जो सोच विचार करके बोली जाती है। सोच विचार करके जो वचन कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, उससे ही उज्ज्वलता आती है, शुद्धता आती है। और हे राजिया, जो बिना अवसर की बात होती है वह कभी भी अच्छी नहीं लगती है। पहली किया उपाव, दव दुश्मन आमय दटे। दव यानी दावाग्नि, जो जंगल में
वन में आग लग जाती है, दब। दुश्मन यानी शत्रु और आमय, आमय यानी रोग बीमारी, दटे यानी आ जाते हैं, दावाग्नि शत्रु और रोग जब सामने आए उससे पहले ही हमें उपाव यानी उपाय कर लेना चाहिए। दावाग्नि जब जंगल में आग लग जाए, जब शत्रु हमारे सामने ही आ जाए और जब रोग हमारे शरीर में लग जाए, उससे पहले ही हमें इन सब का उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि जब जंगल में आग लग जाती है तो आसानी से उसे शांत नहीं किया जा सकता। दुश्मन शत्रु हमेशा अचानक यदि सामने आ जाए तो हम उससे संघर्ष नहीं कर पाएंगे, और रोग जब शरीर में लग जाता है तो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता है। तो इन सब के आक्रमण से पहले हमें उपाय कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वाव, विश्वाव विष, वाव का मतलब प्रहार। रोभा घाले कष्ट, कष्ट देना। हे राजिया, जब ये प्रचंड हो जाते हैं तो विष के समान इनका प्रभाव होता है और ये बहुत ही कष्ट देते हैं। दावाग्नि शत्रु और रोग ये जब आ जाए, हम पर आक्रमण कर दें, उससे पहले इनका उपाय कर लेना चाहिए। जब ये प्रचंड होते हैं तो विष के समान इनका प्रभाव होता है, ये बहुत विषैले हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं और फिर ये हमें बहुत कष्ट भी देते हैं, इसीलिए इनका उपाय हमें पहले से ही कर लेना चाहिए। थैंक यू।